नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस। वन विभाग ने अभियान चलाकर लाखों रुपए के साल की लकड़ी बरामद की। वन विभाग की कार्रवाई में लाखों रुपए के साल की लकड़ी बरामद की गई। सोमवार को गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर डुवर्स के मोराघाट रेंज घटीमाड़ी और तोतापाड़ा बीट कार्यालय के पुलिस कर्मियों ने बानरहाट ब्लॉक के हल्दीबाड़ी चाय बगान के मस्जिद लाइन इलाके में तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान राज्य पुलिस की 10वीं बटालियन भी मौजूद थी। तलाशी अभियान के दौरान इलाके से लकड़ी के चार ढेर और लगभग 50 CFT चोरी की लकड़ी बरामद की गई। हालांकि दिन भर की कार्रवाई में वन विभाग किसी को गिरफ्तार नहीं कर सका। वन विभाग के मुताबिक घटना की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों की पहचान कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रसोई घर में जहरीले सांप और उसके 26 अंडे मिले। रसोई घर के अंदर से जहरीले सांप और उसके करीब 26 अंडे बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि सिलीगुड़ी के निकट फूलवाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के चेंगड़ा बांधा नरेश रॉय के घर में सांप ने शरण ली रखी थी। आज पता चला है कि किचन के सिंक के नीचे से जहरीला सांप अपना डेरा डाला हुआ है। आज सुबह रसोई की सफाई करते समय फोस फोस को आवाज सुनाई दी तो घर वाले घबरा गए। बाद में घर वालों ने सीमेंट से बने कंक्रीट की ढलाई को तोड़ा तो उसके नीचे सांप का मांद पाया। इसके साथ ही कई अंडे भी मिले। इधर इस खबर के फैलते ही लोग नरेश रॉय के घर में जमा हो गए। इधर लोगों ने तत्काल इस बारे में सिलीगुड़ी में एक पर्यावरण विद संगठन से संपर्क किया। वे लोग मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ा। इसके साथ लगभग 26 अंडे को भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सांप को बैकंठपुर जंगल में छोड़ने के अलावा अंडों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। सिक्किम में बाढ़ के हालात। भारतीय सेना ने बनाया 150 फीट लंबा फुटब्रिज। भारी बारिश के कारण सिक्किम में तीस्ता नदी उफान पर है। लगातार बारिश के कारण सड़कें बह गई है और पुल भी टूट गए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सिक्किम के स्थानीय निवासियों को सुरक्षित आश्रयों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इधर भारतीय सेना के इंजीनियरों ने प्रभावित गांवों को जोड़ने के लिए 150 फीट लंबे पैदल पुल का निर्माण किया है। यह फुटब्रिज तीस्ता नदी पर बनाया गया है। सेना के इंजीनियरों ने बेहद प्रतिकूल मौसम और कठिन परिस्थितियों में अपने बेजोड़ तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया है। पुल का निर्माण 48 घंटे से भी कम समय में पूरा हुआ। अपने घर के पीछे से एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद। पत्नी पर शक, पुलिस कर रही है पूछताछ। चोपड़ा के भरतगंज इलाके में आज सुबह घर के पीछे एक व्यक्ति का रक्त रंजित शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चोपड़ा पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक की पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक का नाम मोहम्मद अनवर है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों और मृतक के परिवार के सदस्यों ने अवैध संबंध को लेकर घटना को अंजाम देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने ही घर में धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हथियारों ने हत्या के सबूत भी मिटा दिए हैं। यह भी आरोप है कि हत्या की साजिश में मृतक की पत्नी परवीना बेगम भी शामिल है। घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स। सच्चाई का आईना।